हेलो, वेलकम टू मजेस्टिक प्रॉपर्टीज। माय नेम इज विवेक शर्मा। और मेरा नाम अंकुश गैया है। आज की इस वीडियो के अंदर 192 स्क्वायर यार्ड्स, जो कि विकासपुरी के अंदर होता है और प्रीमियम लोकेशन है, बहुत अच्छी चीज बनी हुई है 3 BHK 3 बाथरूम के साथ। आइए आपको इसका फ्लोर का एलिवेशन दिखाते हैं और अंदर भी पार्किंग भी। नोटिस की लिफ्ट लगी हुई है और अंदर एक लॉबी से एंटर करते ही एक फील आती है कि हम 200 गज के अंदर से बड़ा फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके। और विनियर की फिनिशिंग है डोर के ऊपर, ग्रूव्स भी है, नेचुरल कलर है, इट इज लुकिंग वेरी डीसेंट। और बाकी इधर देखो, एक कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, इधर ड्राइंग रूम आ गया, इधर डाइनिंग एरिया, वो भी सेपरेट है। और उसकी विजुअल पार्टीशन सीलिंग से हुई है। आप सीलिंग में देखो ना, यहाँ पर सीलिंग का डिज़ाइन अलग है इस पोर्शन तक, और इस पोर्शन में हम जब सिटिंग बनाते हैं, एल टाइप की सिटिंग या यू टाइप की सिटिंग भी बन सकती है, बिकॉज यहाँ पर ये LCD का वो आ जाता है, पैनल आ जाता है। फिर इस पोर्शन से ये वाला पोर्शन सेपरेट किया हुआ है, और इस पोर्शन के बिल्कुल सामने किचन है, एल टाइप का पैरेलल किचन जिसको बोलते हैं। ऊपर भी बैठे हुए यहाँ पर अगर हम तो काफ़ी अच्छी रॉयल लुक आ रही है, तो क्योंकि पूरा प्लानिंग के साथ जिसने बनाया है उसने पूरा पहले से प्लानिंग करी हुई है कि आधी डिवीजन वहाँ पर है, आधा डिवीजन इस तरह से, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और किचन भी फुली लोडेड है। आई थिंक इसको खोल के देखते हैं। इनोटेक ड्रॉस लगे हुए हैं, इनोटेक की फिटिंग है पूरी, सॉफ्ट क्लोज है, ग्लास के वो दिए हुए हैं, सारे ड्रॉस मतलब यहाँ पे स्मूथली मोड है, इधर वो दिक्कत। और यहाँ पे एक छोटी ग्लास वाली बेंच लगी हुई है, इसको बंद करते थे। और इधर मतलब लेडीज जो भी वर्क कर रहे होंगे, और इधर आ जाएगा चिमनी का, बिल्कुल ठीक है। और इस साइड पे डबल सिंक है, वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो है, और एक ब्रांडेड पेंट्री दी हुई है, इंटरचेंजेबल इंटरएक्सचेंजेबल है, बड़े छोटे छोटे ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे भी अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। और इधर भी बर्तन सूखने के लिए, नीचे ड्रायर दिया हुआ है, ऊपर फ्लेक्सिबल स्टैंड है, यहाँ पर भी पूरे ड्रॉज हैं पूरे फुल लेंथ तक, एक इस पर डोर हैंगिंग डस्टबिन है साथ में, और साउंड प्रूफ सिंक लगा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लग रही है कि इन्होंने एक माइंड यहाँ पे यूज़ किया है कि फ्रिज की स्पेस देने के बाद ऊपर एक और यहाँ पे लेटा हुआ ड्रॉर दे दिया, जो कि पूरी लेंथ है उसकी और पूरी डेप्थ है। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि ऊपर का स्पेस हमेशा खाली होता है, हमेशा खाली रह जाता है। हाँ, क्योंकि ये हमारा, अब जस्ट इमेजिन व्हेन यू हैव अ डाइनिंग टेबल ओवर हियर विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द किचन, तो हमारे पास एक छोटा सा एरिया यहाँ पे रह जाता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ, कोई कटलरी, कुछ क्रॉकरी, कोई फ्रूट बास्केट, कुछ और वो उस तरह का वो बनाना है, तो वो उसके लिए यहाँ पे एक छोटे से चेस्ट ऑफ ड्रॉअर की बहुत परफेक्ट जगह है। और इस साइड का गेन वार्डरोब जो कि फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अंदर घुसते क्योंकि फ्रेशनेस लग रही है, मेरे को लगता है ये कारण है व्हाइट कलर के पेंट का। व्हाइट कलर का पेंट वैसे ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे ना स्पेस थोड़ी सी ज्यादा खुली खुली दिखाई देती है, राइट, रॉयल लुक दिखाई देती है। अभी पेंट का तो वैसे फिनिशिंग अभी एक और होगा, बट यहाँ पे डेलिंग मार्बल के साथ अगेन वापस सारी चीजें, ऊपर भी फॉल सीलिंग डिसेंट है। यहाँ पे कॉर्नर में जो पिलर के साथ थोड़ी सी जगह रह जाती है, तो वहाँ पर भी इन्होंने बहुत माइंडफुली इसको यूज किया है, यहाँ पे एक निश बना दी है। और इधर भी हैंडल्स का भी एक चेंज के मूव करने के, और फुल लेंथ वार्डरोब मिल रही है। कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पिस्ता से भी हल्का सा ऑलिव ग्रीन और उसके बीच का मिक्सचर यूज हुआ हुआ है, और उसके बाद जब ये ऐसे आ रहा है इंग्लिश स्टाइल के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट सा लुक है, फुल वॉल वार्डरोब है पूरी, ऊपर से लेके नीचे तक स्पेस काफी अच्छा है। अगेन, और यहाँ पे मेरे को लगता है कि छोटी से छोटी जगह को भी यूज करने की कोशिश करी है इन्होंने इस जगह के अंदर। पैसे जब हम बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, फिर बाथरूम से बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक फुल लेंथ मिरर लगा हुआ है। और इधर अगेन मतलब वॉशरूम आ जाता है, जो कि अटैच वॉशरूम है इधर बेडरूम। और यहाँ पे काफी अच्छी चीज मेरे को जो लग रही है कि एक बाथिंग एरिया को सेपरेट कर दिया है, और इस साइड जो, और बाथरूम का साइज भी काफी बड़ा है, ये वाला बाथरूम काफी बड़ा है, और ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। और इस बाथरूम के पीछे भी छोटा सा एक शाफ्ट है, शाफ्ट के लिए बन जाता है, जो कि वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा रहता है। और वैसे डिसेंट कलर जिस तरह से जिस पैलेट के अंदर, जिस कलर पैलेट के अंदर चल रहे हैं, उसी के अंदर ही बहुत डिसेंट सा वुड का इंग्लिश कलर यहाँ पर भी यूज हुआ है, और उसके साथ एक छोटा सा शेल्फ देके यहाँ टीवी LCD पैनल जो है वो दिया है। हमारे पास जो है एक एरिया मिल जाता है, शाफ्ट एरिया।
हाँ, ये चीज़ मेरे को लगती है कि थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे जो मैं हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि इस नक्शे के अंदर डिफरेंट है, तो वो मेरे को लगता है कि यही है। यूजली हमने जो अभी तक देखी थी शाफ्ट्स वो इस तरह से डायगनली होती थी और बैक साइड पे होती थी, ये इस पे इन्होंने साइड पे लिया, जिससे कि एक फर्क पड़ा कि एक तो हमारे सामने जो किचन है उसको इस शाफ्ट का फायदा मिल रहा है और एक छोटा सा वॉशिंग एरिया मिल गया, और आई थिंक ये एक छोटी सी एक्सटेंशन है जो कि इस बेडरूम की बन जाती है, क्योंकि बेडरूम के अंदर व्यू आपका थोड़ा सा एनलार्ज हो गया और बड़ा व्यू हो गया। हाँ। इधर अगेन हमारे पास एक जो कि दरवाजे को एक सेपरेशन दी हुई है बैकलिंग में, और इसको यू नो एज पर योर इमेजिनेशन इसको हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आ रहा है तो यहाँ पर आप अपना वो भी यूज कर सकते हैं एज अ मंदिर यूज कर सकते हैं, नहीं तो यूजली क्या होता है कि यहाँ पे बाथरूम बना होता है, तो विच इज नॉट ओवर हियर, यहाँ पे इस जगह के कॉर्नर को खाली छोड़ा गया, तो ये वास्तु परफेक्ट भी है। हाँ, ये वैसे भी आजकल बिल्डर्स जितने भी बनाते हैं वास्तु का ध्यान रखते हैं। और अगेन बेडरूम से बाहर चलते हैं, क्योंकि अभी दो बेडरूम हमारे पास रहते हैं जो कि फ्रंट बालकनी के साथ अटैच होते हैं, और जिस साइज का रूम है उसके लिए यहाँ पर एक बड़ा सा एलसीडी यूनिट आने वाला है, तो उसका एक साइड मार्केशन अलग से की हुई है। और इधर अगेन सेकंड बेडरूम के अंदर हम एंटर करते हैं जो कि हमारा फ्रंट बेडरूम है, और इसके अंदर हम आते ही देखते हैं कि ये चीज काफी अच्छी लगती है मेरे को, जो कि बालकनी के साथ अटैच हमें एक रूम मिल जाता है, जो कि वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और स्पेस वाइज भी हमें वाइड लगता है, एक क्लस्ट्रोफोबिक भी रह जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर हैं आप कर्टेन हटाते हैं तो आपको आप मतलब इनसाइड इज आउटसाइड एंड आउटसाइड इन, तो वो एक चीज हो जाती है विच इज वेरी गुड, तो उसके साथ क्या होता है कि आपको अच्छा लगता है कि स्पेस की ओपननेस फील होती है। और इधर भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक फुल लेंथ वार्डरोब भी हुई है, इसको मैं खोलूं तो एक ऊपर अलग से निशेस दिए हुए हैं ताकि जो भी सर्दी के गर्मी के कपड़े उसको डिवाइड कर सके। एक्रेलिक की फिनिशिंग है, बहुत अच्छी ग्लास फिनिशिंग आ रही है, और साथ में फिर यहाँ पर भी निश का कंसेप्ट दिया हुआ है जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, आप बुक शेल्फ्स रख सकते हैं लंबी लंबी टॉल नैरो में शेप में बुक्स रख सकते हैं, और एक वुडन स्टाइल जो दिया हुआ है ना टच वो काफी अच्छी एक वो हाईलाइट कर रहा है पूरे उसको फ्रेम को, क्योंकि फुल लेंथ वो है। और एक चीज और जो यहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर इसके अंदर ये पूरी जो स्पेस अंदर तक दी हुई है उसके अंदर कोई पफी रख सकते हैं, कोई चेयर रख सकते हैं, फॉर दैट मैटर कि अगर आपको लॉन्ग आवर्स आपको यहाँ पे स्पेंड करने हैं अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए तो ये चेयर अंदर जा सकती है, और उसके नीचे एक ड्रॉअर है विच लुक्स वेरी प्रोफेशनल कि पूरा एक आप उसमें सेटअप में बैठे हुए हैं, और उसके साथ एक चीज अच्छी ये है कि स्पेस के लिए स्टोरेज के लिए जो भी आपका सामान होता है निटी ग्रिटीज और छोटे मोटे जो आपके नेल पॉलिश एंड व्हाटएवर कैन गो इन देयर, और इधर तो सजने संवरने का भी सामान सारा इधर आ सकता है, सारा आ सकता है, और इधर भी साइज काफी अच्छा है बेडरूम का, साइज काफी अच्छा है। और बेडरूम के सामने ये भी जो है किसी का पाइन वुड की जो लकड़ी का वो जो आउटलुक दिया हुआ है सेम कलर यहाँ पर भी आया है, और उसके साथ आजकल जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल गया तो जैसा वहां पर इन्होंने कंसेप्ट दिया तो यहाँ पर भी आप एक लो लेवल की चेयर रख के इसको एज अ ऑफिस कम बेडरूम भी यूज कर सकते, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन हो चुकी हुई चीज। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं बैठूं और सामने बालकनी है तो इस चीज का मतलब लग्जरी अभी हमारे पास वही चीज आ गई, और बालकनी है, और बालकनी के साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम आ जाती है शोर शराबे की और पोल्यूशन की, तो उसके लिए ये मैंने इसको किया तो मैं साउंड प्रूफ हो गया, आप क्या बोल रहे हैं बाहर से कोई शोर है तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आई कैन इजीली वर्क ओवर है और रेस्ट इन देयर, तो ये बहुत बेनिफिट हो जाता है। और बालकनी के साथ अटैच होने की वजह से ना हमारे पास ये तीन ग्लासेस जो मिल रहे हैं और सारी चीजें हमारी जैसे कि अपर ग्राउंड फ्लोर है तो बालकनी की वाइडनेस बहुत बढ़ जाती है, और बालकनी का साइज भी बहुत अच्छा है। राइट, अब चलते हैं थर्ड बेडरूम जो कि अगेन वो भी बालकनी के साथ अटैच है। इसके साथ इस रूम के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो यहीं पर ही इसके साथ ये इसका बाथरूम है जो कि काफी अच्छी थीम के साथ मैचिंग करा हुआ है सारी चीजें, और ये हम यहाँ पे जो है एक लॉबी से एंटर कर रहे हैं और यहाँ कॉमन वॉशरूम और अटैच वॉशरूम दोनों मिक्स करे हो, तो उसका एक एंट्री यहाँ से और एक एंट्री हम अंदर से, और यहाँ पे भी अगेन मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि 200 गज की प्रॉपर्टी के अंदर आते ही हमें वाइडनेस दिखने स्टार्ट हो जाती है, और अगेन यहाँ पे वार्डरोब बहुत जरूरी हो गई है बेडरूम में, और वार्डरोब को बहुत अच्छी तरह से एक्सेसराइज किया हुआ है उसके अंदर सारे जो ये हैं सारे ही रूम्स के अंदर जितने भी लगे हुए हैं ये बहुत यूनिक लगे हुए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका ऐसा लगता है कि कॉपर और गोल्डनिश फिनिश के अंदर है जो कॉम्प्लीमेंट करता है इसको और इस कलर के अंदर, आप फ्रेम में भी दिखाई दे रहा होगा एक यूनिक स्टाइल है
ऊपर वाले छोटे वाले भी और बड़े वाले भी, और फिर उसको फ्रेम जो बन रहा है उससे ये हाइलाइट हो रही है पूरी की पूरी यूनिट। ऊपर लाइट्स दे दी है कि एनहांस कर दिया उस चीज को, और इधर भी ओपननेस की अगेन हम बात करें तो बहुत बड़ा एक टीवी पैनल मिल रहा है। टीवी पैनल मिल रहा है, टीवी पैनल के साथ टीवी पैनल जिस रूम के साइज में टीवी पैनल, तो यहाँ मतलब एलसीडी यूनिट यहाँ तक आ जाएगी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज आ जाती है, यहाँ पर फोटो फ्रेम्स या फ्लावर्स वगैरह या कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ये चीज आ गई, यहाँ फिर आई थिंक सबसे ज्यादा ऑप्टा यहाँ पे अगर बुक्स रखी हुई हो, बुक शेल्फ बना हुआ, और नीचे ये पूरा इसको एज अ टेबल भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसको एलसीडी यूनिट का एक्सटेंशन के साथ जो दूसरी चीजें आपने रखनी होती हैं वो आ सकती हैं। और इधर अगेन हमारे पास एक ड्रेसिंग एरिया आ गया जो कि बाथरूम से बिल्कुल अटैच मिलने वाला है। बाथरूम से बिल्कुल, जब हम बाथरूम के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत बड़ा बाथरूम है ये भी। इधर शावर आ गया, रेन शावर अगेन हमारे पास, और इधर फ्लश एरिया, इधर सनसिटी है, और सामने आपको मिरर दिख रहा है, और ऑल ओवर सारे रूम्स के अंदर, किचन के अंदर जैगोर की फिटिंग और जैगोर की वॉश बेसिन, पॉट्स वगैरह सब कुछ जैगोर का ही लगा हुआ है, ऑल ओवर जैगोर की फिटिंग लगी हुई है। चलते हैं फिर बाथरूम से बाहर निकलते ही एक हमें फॉल सीलिंग का डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है इसमें। फॉल सीलिंग का एक सर्कल वहां पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर है। आजकल इस तरह के डिजाइन बहुत यूनिक लगते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और पूरी उसके ऑल ओवर पूरे का पूरा वो राइट सर्कुलर सा लग रहा है, जो बेड के ऊपर जब आएगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और बालकनी में एक और जब ये पूरा दरवाजा खोल देते हैं तो जो पूरा इफेक्ट आता है कि ऐसे लगता है कि ये और वो एक ही पार्ट हो गया है। जब यहाँ पे हमने यहाँ पे सुंदर सुंदर जब पॉट्स लगे हुए होंगे, ग्रीनरी जब नजर आएगी तो वो उसका एक इफेक्ट अलग से आएगा। और मैं तो ये भी देख रहा हूँ बाहर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पार्क अटैच है इस प्रॉपर्टी के साथ, और जिस तरह से मैं हर बार आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप एक बार जरूर इस प्रॉपर्टी को विजिट कीजिए, मैं इस बार भी आपको यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, एंड डू गिव टाइम फॉर दिस डिसीजन। आप प्लीज यहाँ पर आइए और विजिट कीजिए। और अगर आपने आना है इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास वेस्ट दिल्ली के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज आई हुई है, आप आइए फटाफट से, दिए गए नंबर पर फ्लैश कर रहे हैं वहाँ पे, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स ऑलरेडी दी है। बेस्ट डील्स एंड बेटर प्रॉपर्टीज मैजेस्टिक।